गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये होली का व्लॉग है, बहुत दिन के बाद मैं डाल रही हूँ। सो यहाँ पे कियांश और तनिष्का दोनों होली खेल रहे हैं और इन लोगों ने ही पहले स्टार्ट कर दिया था। तो ये मेरी छोटी वाले देवरानी है, उसको कलर लगाने आ रहे हैं तो वो बच रही है। तो देखो कियांश और तनिष्का जो है वो मेरे ननंद की लड़की है, तो वो लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो लास्ट ईयर जो होली का व्लॉग था वो उसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था और इसलिए मैंने ये भी वीडियो बनाया, बट बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ मैं। तो देखिए तनिष्का कैसे कलर की हंस को लगा रही है। सो ये छोटा सा रेवांश है, वो देवरानी का लड़का है, वो भी भाग रहा था खेलने, मतलब होली खेलने के लिए। तो देखो दोनों पानी से खेल रहे थे। एक्चुअली घर में मना कर रहे थे क्योंकि घर में पूरा कलर हो जाता है, फिर बाद में वो कलर निकलता नहीं है साफ़ करने से भी, इसलिए बाहर खेलने के लिए बोले थे, लेकिन बाद में घर में ही पूरा कलर हो गया था। तो हमारे में ये होली के दिन थोड़ा रीति रिवाज रहता है, जैसे ये मेरी ननंद है बड़ी वाली और उनके हस्बैंड है, तो उनको कलर लगा के मतलब माला वाला और डाल के थोड़ा स्वीट वगैरह खिलाते हैं, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो दोनों को हम लोगों ने बिठाए, फिर अभी इन लोग के मतलब जो मेरे हस्बैंड है और उनके भाई वगैरह हैं उनको कलर लगाएंगे। और ये छोटू सा दिव्यांश, अभी मैंने इसका इंट्रोडक्शन नहीं किया है, ये मेरा छोटा लड़का है, तो इसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगी। तो ये रहे मेरे हस्बैंड, इनको माला डाल रहे हैं। ये हमारे में ऐसे रीति रिवाज रहता है, तो कलर लगा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे कलर, लास्ट ईयर तो मतलब अंडा फोड़ रहे थे बालों पे, एग वगैरह, तो ये ऐसे दिखा रहे कि अभी भी अंडा लेके आए, बट अंडा नहीं था, वो कलर था, वो तो डर गए थे। लेकिन इस बार कोई अंडा या फिर पानी का यूज़ नहीं किए, जस्ट ड्राई कलर का ही होली खेले थे। तो देखिए किस तरह से होली लगा रहे हैं, कलर्स लगा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया और बच्चों तो रुक ही नहीं रहे थे, सब लोग ने पानी के साथ खेला था और उनको दूसरे दिन थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया था। तो देखिए एक दूसरे को ये कलर लगा रहे हैं सब, और ये उनके जीजा जी को तो पूरा कलर से भर दिए थे। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए गाइज। और आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। तो सभी भाई उनके जीजा जी को कलर्स लगा रहे थे और उनकी बहन बाजू में बैठी है। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा था होली खेलने के लिए। देखिए उनका शक्ल कैसे हो गया एकदम, और मैं भी उन लोगों को कलर लगा के मतलब विश कर रही थी, और ये मेरी ननद को मैं सोची कि कलर लगा दूँ, पर वो तो लगाने ही नहीं दे रही थी, मेरे पे ही वो अटैक कर गई। मैं उसको समझा रही थी कि रुको पहले थोड़ा मुझे लगाने दो फिर बाद में आप लगा लेना, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी और बिल्कुल कलर ही नहीं लगवा रही थी, लेकिन बाद में भैया ने बोला तो थोड़ा सा लगा भी लिया। तो देखिए किस तरह से फाइटिंग हो रही है मतलब कलर लगाने के लिए। ये देखिए भैया का शक्ल, और ये छोटू मग लेके दौड़ रहा था पानी डालने के लिए, और ये मेरी देवरानी को भी लगा दी उसने कलर, मेरी ननद ने। कियांशो देखे पूरा कलरफुल हो गया है और पूरा घर एकदम कलर हो गया था।
देखिए पूरा कलर एकदम घर पूरा कलर हो गया था, बट इस बार पानी और अंडा का यूज़ नहीं किया है। और ये छोटे घूम रहा है, माग लगी इसको भी होली खेल लिए। देखिए ये दोनों और कलर मांग रहे थे। और ये दिव्यांश का फर्स्ट फेस्टिवल है होली का, तो देखिए इसको भी मैंने थोड़ा सा कलर लगा दिया था। देखिए बाहर भी आ रहे थे कलर लगाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने डोर लगा दिया है। और यहाँ पे पूरा गैलरी एकदम कलर से भर गया है, तो बच्चों को अभी हम लोगों ने बोला कि अब बस हो गया, ज़्यादा हो गया खेलने के लिए। और ये भैया ने पानी डाल दिया था। सो गाइस यही था होली का व्लॉग। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। बाय बाय।